एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास कमेंट्स बहुत सारे आते थे वीडियोस के हवाले से कि आप उस जगह पर वीडियो बनाएं जहाँ पर आलम लगा हुआ है गोल्ड ब्लॉक के अंदर, तो आज मैं आपको वो जगह दिखलाऊंगा। पूरी एक बाउंड्री लाइन थी वो अब हटा दी गई है और वहाँ पर जो मकानात थे वो मुनहदम कर दिए गए हैं। इस पे लेवलिंग का काम होगा, उसके बाद जाहिर सी बात है जो प्लॉट्स यहाँ पर हैं उसकी मार्किंग भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन जसवानी। भी उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त गेट नंबर 3 पे मौजूद हूँ। गेट नंबर 3 वो गेट है जहाँ से गोल्ड ब्लॉक शुरू हो जाता है, जिसके अंदर बहुत बड़ी एक गोल्ड ब्लॉक की आबादी है, जहाँ पर GFS कपड़ा मार्केट भी मौजूद है। अगर आप इस साइड पर देखेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है और यहाँ से अगर आप इस साइड पर आएँगे तो ये गोल्ड ब्लॉक में दाखिल होता है और ये वो रोड है जो कि सुरजानी डायलिसिस सेंटर जहाँ पर बना हुआ है, जहाँ जिसकी वीडियो मैं बहुत सारी बना चुका हूँ। व्यूअर्स, आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ उसका एक बहुत ख़ास मकसद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बाउंड्री लाइन थी जो कि एंड तक चली जा रही थी और ये वो रोड है जो कि आगे जाकर सीधा मेन रोड पर निकल जाता है, जो कि बाबा मोड़ से आप दाखिल होते हैं जहाँ पर हमारा पैराडाइज ब्लॉक वगैरह है। तो एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास कमेंट्स बहुत सारे आते थे वीडियोज़ के हवाले से कि आप उस जगह पर वीडियो बनाएं जहां पर आलम लगा हुआ है गोल्ड ब्लॉक के अंदर, तो आज मैं आपको वो जगह दिखलाऊंगा जहां पर पूरी एक बाउंड्री लाइन थी वो अब हटा दी गई है और वहां पर जो मकानात थे वो मुनहदम कर दिए गए हैं। बाकायदा तौर पे उस जगह की पोजीशन ले ली गई है और अब वहां पर प्रॉपरली रोड का काम और दीगर जो काम होते हैं प्लाटों के हवाले से वो किए जाएंगे। तो व्यूअर्स, उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो कि मुझसे कमेंट्स करते थे कि इमामबरगा वाली साइड पे वीडियो बनाए, तो चलते हैं उस वाली साइड पर जहां पर इमामबरगा था। वहां की जो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आ जाए मेरे साथ। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप ये देख सकते हैं कि मस्जिद, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो गोल्ड ब्लॉक में शामिल है। इस मस्जिद को अंदर से भी आपके लिए एक्सप्लोर किया था और ये वाला वो पोर्शन है जिसकी कमेंट्स आप ये देख सकते हैं कि सामने जो आलम लगा हुआ है ये वो इमामबरगा वाली साइड है, जिसके बारे में कमेंट्स में मुझसे लोग कहते थे कि यहाँ की अपडेट दें। तो व्यूअर्स, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये बाउंड्री वॉल टोटली हटा दी गई है, एंड तक शुरू से लेकर आखिर तक ये बाउंड्री वॉल हटा दी गई है और जो यहाँ मकानात थे बने हुए वो भी सारे मुनहदम कर दिए गए हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। ये गोल्ड ब्लॉक के अंदर शामिल है। उस साइड पे भी अगर आप जाएंगे तो वो गोल्ड ब्लॉक है और इस साइड पे भी गोल्ड ब्लॉक है, तो ये बीच में जो एक बाउंड्री वॉल थी वो हटा दी गई है। ये बाउंड्री वॉल हटाने के बाद अब जब ये इस पर लेवलिंग का काम होगा, उसके बाद जाहिर सी बात है जो प्लाट्स यहाँ पर हैं उसकी मार्किंग भी हो जाएगी और बीच में जो रोड्स हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये अपडेट थी गोल्ड ब्लॉक की। आप देख सकते हैं कि वहाँ वो कोने तक जो गेट नंबर 3 दाखिल होता है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से गोल्ड में दाखिल होता था, बीच में जो एक पूरी लाइन थी वो टोटली हट गई है और अंदर का काम मैंने आपको दिखला दिया कि किस तेज़ी से अब काम हो रहा है यहाँ पर। तो जो व्यूअर्स की मेरे पास कमेंट्स में एक मुसलसल एक रिक्वेस्ट आती थी कि गोल्ड ब्लॉक की वो जगह दिखाएँ जहाँ पर इमामबरगा बना हुआ है, तो ये आज मैंने वो जगह आपके लिए एक्सप्लोर कर दी है। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, निज़ाबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्वानी को इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा।